हल्के को ही इस तरीके से नहीं देखा गया कि ये मेरा घर है, बल्कि इस तरह देखा गया कि ये सुतेला घर है। और आज आप मैं जितने परेशान हैं, अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता नहीं तो मुझे कौन यहाँ पूछता, कोई पूछने वाला ना होता। लोग कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा काम चल रहा है, आप मेहरबानी करो बीच में टांग मत मारो। कोई भी अच्छा काम कर रहा हो उसे कोई और आएगी उसकी जगह ले ले तो लोग यही कहेंगे। अगर सही तरीके से काम कर रहे होगी तो कौन नए आदमी को फिर छोड़ेगा बीच। और मेरी माएँ बहनें तंग हैं, नौजवान तंग हैं कि नौकरियां गई तो कहां गई। और ये कहना कि जी मैं मुझे नौकरियां नहीं मिली या मेरा बस नहीं चलता, मैं नहीं मानता जी। मैं भी वजीर रहा हूं, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीर है। पदरी कुछ पीपल पार्टी का सदर भी है कराची का और पदरी और बड़ी चीज़ें हैं, तो फिर भी काम नहीं हुआ। जब बिल्डरों से पैसा लेते हैं तो काम होता है, जब पानी के टैंकरों वालों से पैसे लेते हैं तो काम होता है, जब हाइड्रेंट लगाया तो काम होता है, जब बड़े बड़े बिल्डर को ला के कि 20-20 मंजिल बिल्डिंग बनवा दी तो काम होता है, उसकी परमिशन मिल जाती है। तो गरीब बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए काम नहीं होता। वाटर बोर्ड इनकी नहीं सुनता, क्योंकि खुद वजीर था बल्दियात का, अपने हल्के में पानी नहीं ला सकते। लोगों को बेवकूफ़ बनाए जी, कश्मीर रोड से पानी आ रहा है, कहाँ गया वो पानी? साढ़े छः साल तो ये राय रही वजीर, क्यों नहीं पा? 6.5 साल में अगर पानी नहीं ला सका। ये बिजली का निज़ाम जो है आजम बस्ती में जी, 14 घंटे लोड शेडिंग थी, अभी बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके इसको 10-10.5 घंटे कराए, अब भी 10-10.5 घंटे है। अब फिर कोशिश करूंगा जी कि 1 घंटा 2 और कम कराएं। पर आप सोचो 14 घंटे ही 24 घंटे में से लोड शेडिंग, गर्मियाँ किस तरीके से मेरी माएँ बहनों ने गुजारी, और ये इतने ये बच्चे बैठे हुए हैं, किसी को नज़र नहीं आए जिनको नौकरी की ज़रूरत है। तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। सबको एक नज़र से देखना चाहिए। जब आप जिस आदमी से वोट लेने समझते हो कि जी इसका वोट मुझे चाहिए, तो फिर उसका हक है कि उसको पानी बिजली गैस मिले और उसके बच्चे को नौकरी मिले, नहीं तो वोट मत मांगो। अगर वो बंदा नौकरी के काबिल नहीं है तो फिर आपके वोट के काबिल भी नहीं। मैं तो ये हैरान हूँ जी कि इस हशर क्या किया,
कहीं कोई कॉलेज बनाया, कोई अस्पताल बनाया, ये जो पुराने लोग बैठे हैं सबको पता है ये जो ये डव मेडिकल वाला बना दिए, ये किसने अस्पताल बनाया था, ये भी मैंने बनाया था। लड़कियों के कॉलेज मैंने बनाए, टेक्निकल कॉलेज मैंने बनाया, कब्रिस्तान की तौसी मैंने करा के दी। तो इन्होंने क्या किया छः साल में, नौकरियाँ मैंने जाके दी बच्चों को, ईमान से दरवाजे खटखटा के गरीब बच्चों को दी जो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई के, ये लो लेटर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक टके की कभी किसी से लालच नहीं। परिवार के रहने के बावजूद कोई आदमी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता कि जी आपने करप्शन की या आपने नाजायज पैसे कमाए, ये काम नहीं किए। इसीलिए आज इज्जत से फिरता हूँ और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ क्योंकि डरता नहीं हूँ किसी, गलत काम मैंने ही नहीं किया, क्यों डरूँ? मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ये देखें, मैं नौजवानों को देखता हूँ तो ईमान से मेरा दिल दुखता है, ये इनको नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, गलत कामों में निकल जाएंगे, क्या करेंगे? कल को शादियाँ हो जाएंगी, बच्चे इनके होंगे, रोजगार होगा नहीं तो कैसे दर बदर फिरेंगे बेचारे। इनके लिए तरीका ये है कि किसी के साथ अगर आपने